नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो है ऑफिशियल एनिमल्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, भारतीय राज्य के राज्य पशु, उनसे संबंधित। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे राज्य के राज्य पशु के नाम, उनका साइंटिफिक नेम और आयुषियन लिस्ट के अंदर वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आयुषियन के बारे में बता दें कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक रेड डेटा बुक जारी करती है जिसके अंदर लिस्टिंग होती है जो थ्रेटन्ड स्पीसीज हैं उनको उस डेटा बुक में जगह दी जाती है। इसका हेडक्वार्टर, संस्था का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है और ये ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड करती है। लुप्त हो चुके हैं, जिनको अभी खतरा है और जिनको अभी संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये तीन ब्रॉड कैटेगरीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेट आंध्र प्रदेश, जिसका स्टेट एनिमल है ब्लैक बर्ड, जिसको बोलते हैं काला हिरन, और इसका साइंटिफिक नेम है एंटीलोप सर्विकाप्रा। ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग एंटी नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी के अंदर आता है। और इसका अर्थ हो गया कि ये जो पशु है निकट भविष्य में संकट होने की संभावना है, तो इस पे ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये इसकी कैटेगरी होगी। फिर अगला है अरुणाचल प्रदेश, और उसका स्टेट एनिमल है मिथुन, जिसको हिंदी के अंदर गायल भी बोलते हैं, और ये एक भैंसा होता है, सॉरी बैल होता है। इसका साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रंटिलिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी के अंदर आता है। फिर अगला असम, जिसका स्टेट एनिमल है वन हॉर्न राइनोसोरस, एक सींग वाला गैंडा, जिसका साइंटिफिक नाम हो गया राइनोसिरस यूनिकॉर्निस, और ये आईसीएन की वर्नेबल असुरक्षित श्रेणी के अंदर आता है। इसका अर्थ हो गया ये जो पशु है वनों के अंदर संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, मतलब अगर इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो वनों से ये विलुप्त हो जाएंगे। फिर अगला बिहार स्टेट, बिहार का जो ऑफिशियल स्टेट एनिमल है वो ऑक्स या गौर कह दो, जिसका साइंटिफिक नेम हो गया बॉस गोरस, और ये आईयूसीएन की वर्नेबल कैटेगरी के अंदर आता है, मतलब ये वनों में संकटग्रस्त होने की संभावना है। अगला छत्तीसगढ़, जिसका स्टेट एनिमल है वाइल्ड बफेलो, और वाइल्ड बफेलो का साइंटिफिक नेम है बुबालस बुबालिस आर्नी। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट के अंदर है अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन, और ये जो पशु है इसको वनों से विलुप्त हो जाने का खतरा है, एंडेंजर्ड है ये बहुत ज़्यादा, तो इसके संरक्षण की आवश्यकता है, इसका अर्थ ये हो गया। अगला है दिल्ली, दिल्ली का जो स्टेट एनिमल है वो नील गाय है, और जिसको साइंटिफिक नेम है बोसेलिफस ट्रैगो केमलस, ये इसका साइंटिफिक नेम है क्योंकि नील गाय तो बहुत ही पाई जाती है, तो ये लीस कंसर्न की कैटेगरी में ही आता है। फिर अगला गोवा, इसका स्टेट एनिमल है गौर, जिसको बिजोन बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जिसको इसका, और कोंकणी भाषा में इसको गवरेडो भी कहते हैं, और ये एक प्रकार का बैल ही होता है, और ये वर्नेबल श्रेणी में आता है एशियन की कैटेगरी लिस्ट के अकॉर्डिंग। फिर अगला है गुजरात, गुजरात का स्टेट एनिमल है एशियाटिक लॉयन, और एशियाटिक लॉयन इसके साइंटिफिक नेम है पैथेरोलियो पर्सिका, और ये जो एशियाटिक लॉयन है सिर्फ एक्सक्लूसिवली गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं पाए जाते हैं, और ये एंडेंजर्स या संकटग्रस्त श्रेणी के अंदर आते हैं आईयूपीएसीएन की रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग, कि ये इनको संरक्षण नहीं दिया गया तो ये जंगलों से विलुप्त हो सकते हैं। अगला हरियाणा, जिसका स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, काला हिरन जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है एंटीलॉप सर्विकाप्रा, और ये नियर थ्रेटन कैटेगरी के अंदर आता है। फिर है हिमाचल प्रदेश, जिसका स्टेट एनिमल है स्नो लियोपॉड हिम तेंदुआ, और हिम तेंदुआ को साइंटिफिक नेम है अंसिया अंसिया या कह दो पैंथ्रिका अनसिया, और ये जो पशु है वो एंडेंजर्ड है और वनों से विलुप्त होने के बिल्कुल खतरा है, कि मतलब विलुप्त होने के कगार पे ये अगर संरक्षण नहीं दिया जाए तो। फिर है जम्मू एंड कश्मीर, इसका स्टेट एनिमल है अंगूल, कश्मीरी बारासिंगा कह दो सरल शब्दों में, और इसका जो साइंटिफिक नेम हो गया वो सेसुस एलाफस हैंगुल, इसका साइंटिफिक नेम है। इसकी खासियत ये है कि ये सिर्फ कश्मीर वैली के अंदर या फिर डाचीगम नेशनल पार्क के अंदर ही पाया जाता है,
और ये घोर क्रिटिकली एंडेंजर्ड आईयूसीएन की लिस्ट के अकॉर्डिंग आता है कि मतलब ये संकट होने के कगार पे ये है। लगभग क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज सीआर इसको बोलते हैं, कि जाति वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है। मतलब बहुत ही कम संख्या में ये जंगलों में अभी पाई जा रही है। फिर है झारखंड, जिसका स्टेट एनिमल है एलिफेंट। एलिफेंट को अपन साइंटिफिक नेम बोलते हैं एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी के अंदर आता है। तीन राज्य के जो स्टेट एनिमल है वो एलिफेंट है, पहला झारखंड, दूसरा कर्नाटका और तीसरा केरल। इन तीनों के स्टेट एनिमल एलिफेंट हैं, और जो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं भारत के अंदर। फिर है मध्य प्रदेश, जिसका स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर, रूसेवर्स डुओसिली, ये इसका साइंटिफिक नेम हो गया और ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। फिर करें महाराष्ट्र की बात, तो उसका जो स्टेट एनिमल है वो गिलहरी है, गैंट स्क्वायरल, और जिसका साइंटिफिक नेम है राटूफा इंडिका। ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में मतलब होता ही पाई जाती है, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। फिर है मणिपुर, इसका स्टेट एनिमल है संगाई, एक हिरन है और जिसका साइंटिफिक नाम है सर्वस एल डी, इसका साइंटिफिक नाम है। ये संकटग्रस्त प्रजाति है, इसलिए संरक्षण की इसको आवश्यकता है। फिर है मेघालय का स्टेट एनिमल है क्लाउडेड लियोपोर्ड, ये मेघालय का स्टेट एनिमल है, जिस क्लाउडेड लियोपोर्ड का साइंटिफिक नेम है नियोफेलिस नेबुलॉस, ये वर्नेबल असुरक्षित श्रेणी की कैटेगरी के अंदर आती है। फिर है मिजोरम, मिजोरम का जो स्टेट एनिमल है सेरो, या हिमालय सेरो कह दो, जिसका साइंटिफिक नेम है कैप्रिकॉर्निस थार, ये प्रजाति नियर थ्रेटन के कैटेगरी में आती है। फिर है नागालैंड, नागालैंड का स्टेट एनिमल है मिथुन, एक प्रकार से बैल होता है जिसको गायल या मिथुन कह सकते हो। फिर इसका साइंटिफिक नेम है बॉस फ्रंटलिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये वर्नेबल कैटेगरी के अंदर आती है। फिर बात करते हैं उड़ीसा, उड़ीसा का जो स्टेट एनिमल है वो सांभर, एक प्रकार का हिरण है, इसका साइंटिफिक नेम है रूसा यूनिकलर, ये वर्नेबल कैटेगरी के अंदर आता है। फिर पुदुचेरी, जिसका स्टेट एनिमल है गिलहरी, इंडियन पाम स्क्वायरल सही से बात करें तो ये स्टेट एनिमल है पुदुचेरी की, और साइंटिफिक नेम हो गया फुनाम्बुलस पालामारम, ये लीस्ट कंसर्न, क्योंकि गिलहरियाँ बहुत पाई जाती है तो लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में ही आता है। फिर है पंजाब, पंजाब का राज्य पशु है काला हिरन, एंटीलॉप सर्विकाप्रा, आंध्र प्रदेश का भी अपन यही पढ़ा था, तो ये ब्लैक बक काला हिरन पंजाब का भी स्टेट एनिमल है। फिर राजस्थान की बात करें तो स्टेट एनिमल कैमल है और चिंकारा दोनों हैं, तो कैमल को साइंटिफिक नेम है कैमलस डॉनडेरस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है। सिक्किम, सिक्किम का जो स्टेट एनिमल है रेड पांडा, लाल पांडा, और जिसका साइंटिफिक नेम है आइलूरस फुलगेंस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये एंडेंजर्ड स्पीसी है, मतलब हो गया कि जाति, ये जो रेड पांडा है वनों में विलुप्त होने के कगार का खतरा बना हुआ है। फिर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है नीलगिरी टरहर, ये एक प्रकार हिरन ही है, नीलगाय जैसा होता है ये, और तो नीलगिरी ट्रागस हाइड्रोलोक्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये जो पशु है नीलगिरी टर, ये संकटग्रस्त श्रेणी में आता है। फिर तेलंगाना, इसका स्टेट एनिमल डियर, स्पॉटेड डियर सही बात करें तो चितकबरा हिरन, इसका स्टेट एनिमल है एक्सिस एक्सिस का साइंटिफिक नेम है। फिर है त्रिपुरा, त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है फायरे लंगूर, इसका साइंटिफिक नेम है ट्राक पिथेकस फेरे, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये लंगूर है। फिर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर, जिसको बारहसिंगा कहते हैं अपन, रूसेवर्स डुओरिसिली, ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये वर्नेबल कैटेगरी के अंदर आता है। लीस्ट कंसर्न से ऊपर जो कैटेगरी होती है वर्नेबल, मतलब वनों में संकटग्रस्त हो सकती है अगर ध्यान नहीं देता हूँ। फिर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल मस्क डियर, अल्पाइन कस्तूरी हिरन, ये इसका स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का, इसका साइंटिफिक नेम हो गया मोस्कस टाइसोग्रास्टर,
और ये एंडेंजर्ड एनिमल है। फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट, मत्स्य बिल्ली, और इसका साइंटिफिक नेम हो गया प्राइनेल्यूरस विवरिनस, ये एक वर्नेबल स्पीसी है। तो ये सारे एनिमल्स थे और उनसे रिलेटेड स्टेट के बारे में पता पढ़ा। तो ये एक बार फिर से समरी है जो आप देख सकते हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।